गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ, दिस इज अवर इंग्लिश लिटरेचर क्लास एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन द सेकेंड चैप्टर द ग्रैंडपा लॉस्ट हिज ग्लासेस. ओके सो स्टूडेंट्स, बिफोर एक्सप्लेनिंग द चैप्टर लेट्स स्टार्ट डूइंग द हार्ड वर्ड मीनिंग विच इज ऑन पेज नंबर 10. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या एक्सप्लेन करने से पहले, एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले हम हार्ड वर्ड मीनिंग कर लेते हैं जो कि हम लोगों ने पेज नंबर 10 पे अंडरलाइन किया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट. डेस्परेटली, निराशा पूर्वक डेस्पोंडेंटली ऑप्टिशियन बेटा प्रकाश विज्ञान शास्त्री जो कि आंखों के डॉक्टर होते हैं, यानी कि हमारी लाइट्स या हमारी आई साइट को जो चेक करते हैं और फिर हमें जो चश्मे देते हैं, दैट इज ऑप्टिशियन. ओके एनेक्सेसली, आकुलता से, ईगरली. श्रीक मींस चीखना, स्क्रीम. कंटेम्पलेटेड, विचार करना, विस्टफुल. ओके स्टूडेंट्स, इतने ही हार्ड वर्ड्स थे ना. सो नाउ कम टू द पेज नंबर 9. पेज नंबर 9 पे आते हैं और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. ओके ग्रैंडपा ऑफ एन लॉस्ट हिज ग्लासेस. ज्यादा ग्रैंडपा यानी कि दादाजी ज्यादातर अपना क्या, चश्मा खो देते थे. तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, लेकिन वो पढ़ने के बहुत शौकीन थे. ही ऑलवेज केप्ट अ हीप ऑफ बुक्स, न्यूज पेपर एंड नोट बुक्स. वो जो है हमेशा किताबों का, अखबारों का और नोटबुक्स का एक ढेर रखते थे. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही रीड बुक्स एंड न्यूज पेपर. ज्यादातर वो या तो किताबें पढ़ते थे या फिर न्यूज पेपर पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे. Sometimes he wrote on his notebooks. कभी कभी वो अपनी notebooks में भी लिखा करते थे. He did not write every day. वो daily तो नहीं लिखा करते थे. But when he did, पर जब भी लिखते थे, he did it for long. वो उसे लंबे समय तक किया करते थे. Well, late into the night, रात में देर तक, even after everybody else in the house had gone to bed. यहाँ तक कि कभी कभी तो जब घर में सब कोई सो जाते थे, उसके बाद भी वो लिखते ही रहते थे. बाला लव्ड हर ग्रैंडपा वेरी मच. बाला जो कि एक लड़की है, वो अपने दादाजी को बहुत प्यार करती थी. ही टोल्ड हर फेरी टेल्स ऑन वीकेंड्स. दादाजी उसे वीकेंड्स यानी कि सप्ताह के अंत, सैटरडे वगैरह में, संडे में उसे कहानियां सुनाया करते थे, परियों की कहानियां, फेरी टेल्स. ग्रैंडपा लुक्ड फॉर द ग्लासेस ऑन हिज टेबल एंड चेयर. ग्रैंडपा अपना चश्मा देख रहे थे एक बार अपने टेबल पे, यानी कि जहां पे वो बैठते थे, वहां मेज पर, कुर्सी पर, अपने कपड़ों में, अपने किताबों में, और जहां जहां भी वो बैठा करते थे या रहते थे, वहां वहां उन्होंने अपना चश्मा ढूंढ लिया. बट नो अवेल, लेकिन कोई फायदा, कोई लाभ नहीं हुआ. ही देन कॉल्ड बाला, बाला, बाला. तब उन्होंने बुलाया, बाला बाला बाला, कम हेल्प मी फाइंड माई ग्लासेस. मेरी मदद कर दो और मेरा चश्मा ढूंढ दो. बाला एंटर द रूम एंड सेड. बाला कमरे में आई और बोली, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लासेस? चश्मे से आपका क्या मतलब है? माय स्पेक्स ओ डियर, मेरा चश्मा. प्रिय, सेड ग्रैंडपा, जस्ट लुक फॉर देम, उन्हें ढूंढ दो या उन्हें खोजो. बाला लुक फॉर द ग्लासेस हियर एंड देयर. बाला जो है इधर उधर उसने चश्मा ढूंढा. एंड देन शी लुक्ड एट ग्रैंडपास फेस. उसके बाद उसने अपने दादाजी को, चेहरे को देखा. ओ रियली, सैड ग्रैंडपा, सॉरी, ओ ही वॉज वेयरिंग देम. उसने देखा कि ग्रैंडपा ने चश्मा पहना हुआ है. ओके ग्रैंडपा, यू आर वेयरिंग देम. दादाजी, आपने उसे पहना है. रियली, सच में? सैड ग्रैंडपा एज ही टच्ड हिज आईज. अपनी आंखों को छूते हुए उन्होंने बोला, सच में? ओ यस, हाँ, आई थिंक My memory is taking leave of me. दादाजी तब बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जो मेरी याददाश्त है वो कम होती जा रही है. No grandpa, you are the loveliest person in our home.
तब बाला बोलती है, नहीं दादाजी, आप हमारे घर में सबसे अच्छे सबसे प्यारे व्यक्ति हैं। डू यू नीड एनीथिंग, आपको किसी और चीज की जरूरत है क्या? इट इज टाइम फॉर यू टू प्ले, इजंट इट? तब दादाजी बोलते हैं कि यह समय जो है ये तुम्हारे खेलने के लिए है, है ना? आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। गो एंड एंजॉय योरसेल्फ, जाओ और मजे करो, सेड ग्रैंडपा इन हिज अफेक्शनेट वॉइस। अपनी प्यार भरी या बहुत प्यार से उन्होंने बाला से बोला कि ये समय तुम्हारे खेलने के लिए है, मुझे अब किसी और चीज की जरूरत नहीं है, तुम जाओ और मजे करो। वन डे द वर्स्ट हैपेंड, एक दिन बहुत बुरा हुआ। ग्रैंडपा ड्रॉप्ड हिज ग्लासेस ऑन द फ्लोर, दादाजी ने अपना चश्मा जमीन पर गिरा दिया। ही कुड हार्डली सी विदाउट देम, अब वो बिना चश्मे के देख भी नहीं पाते थे। इन अ बिट टू सर्च फॉर देम, जब वो सर्च करने लगे, चश्मा ढूंढने लगे, उन्हें नहीं मिला, तो जो है वो उसी पर चढ़ गए। मतलब चश्मा ढूंढ रहे थे, चश्मा नीचे गिरा और वो चश्मे को ढूंढते ढूंढते उसी पर चढ़ गए और वह चश्मा टूट गया। He was completely frustrated and called बाला बाला। अब वो पूरी तरह से निराश हो गए, एकदम होपलेस हो गए और बाला को फिर से बुलाया। बाला फिर से अपने कमरे से भागते हुए आई। Yes, grandpa, she said looking at his face. He looked strange without his glasses. अब उसने, बाला ने जब अपने दादाजी के चेहरे को देखा तो बिना चश्मे के उनका चेहरा बहुत अलग दिख रहा था, बहुत स्ट्रेंज दिख रहा था, क्योंकि भयानक दिख रहा था। उनकी झुर्रियां सीम टू बी मोर न्यूमरस, उनकी झुर्रियां और अधिक दिखाई दे रही थी और आंखों पे व्रिंकल्स, और वो बहुत अजीब से दिखाई दे रहे थे। सी आई हैव ब्रोकन माई ग्लासेस, देखो मैंने अपना चश्मा तोड़ दिया, ग्रैंडपा ने, दादाजी ने निराशापूर्वक बोला। ओ नो प्रॉब्लम ग्रैंडपा, दादाजी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जो है ऑप्टिशियन के पास जाएंगे और इसे सही करा लेंगे। लेकिन अब होता क्या है कि संडे के दिन दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं, तो दादाजी बोलते हैं कि अब मुझे दो दिन तक बिना किताबों के ही, बिना किताब पढ़े ही रहना होगा। बाला टूट द क्लासेस, बाला चश्मा लेती है अपने हाथों में और उसे बहुत ध्यान से जांचती परखती है। ग्रैंडपा आई हैव अ वे आउट, मैंने एक रास्ता निकाल लिया है। शी श्रीक, वो बहुत जोर से चीखी और अपने कमरे में भाग गई। शी ब्रॉट टू सूलेसेस, अब वो दो जो है जूते के लेसेस ले आती है। एंड टाइड देम टू आइदर साइड ऑफ द ग्लासेस, और दोनों चश्मे के दोनों साइड्स में उन्हें बांध देती है और उसके बाद दादाजी के कानों में उसे फिक्स कर देती है। ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं। ही थैंक्ड बाला एंड प्रॉमिस्ड हर अ न्यू स्टोरी, और उसके बाद वो बाला को थैंक यू बोलते हैं और उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो उसे नई कहानी सुनाएंगे, और बाला वहां से चली जाती है। बट ग्रैंडपा वॉज नॉट कम्फर्टेबल, लेकिन ग्रैंडपा कम्फर्टेबल नहीं थे, उन्हें आराम नहीं लग रहा था, क्योंकि बार बार ग्लासेस आ जाते थे नीचे और उनकी नाक पर, बार बार चश्मा नीचे आ जाता था आंखों से, और इसीलिए उनका एक हाथ हमेशा चश्मे पे ही रहता था। इट डिस्टर्ब हिज रीजनिंग, और जिससे उनकी रीडिंग डिस्टर्ब होती थी। ही कॉल्ड बाला अगेन, उन्होंने फिर से बाला को बुलाया और अपनी सारी प्रॉब्लम उसे बताई। उसके बाद बाला ने चश्मा लिया और थोड़ी देर तक सोचा, फिर बोलती है, मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, और फिर से वो भाग जाती है। और उसके बाद वो अपने पापा की टोपी के साथ वापस आती है थोड़ी ही देर में, और वो चश्मे को एक धागे, सुई और धागे की हेल्प से फिक्स कर देती है टोपी पे। उसके बाद ग्रैंडपा वोर द ग्लासेस हैट, उसके बाद ग्रैंडपा यानी कि दादाजी वो हैट पहन लेते हैं जिसमें कि चश्मा बाला ने सिल दिया होता है। ही वॉज बेटर एबल टू रीड नाउ, उसके बाद वो पहले से बहुत अच्छे से देख पा रहे थे और पढ़ पा रहे थे। ही किस्ड ऑन बालाज रोजी चीक्स, उन्होंने बाला के गालों पे किस किया और उसे आशीर्वाद दिया, मे गॉड ब्लेस यू। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमारी स्टोरी अब फिनिश होती है, और स्टोरी का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको वीडियो नंबर 7 में मिलेगा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।